तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आई होप कल का व्लॉग देखा होगा और मज़ा भी आया होगा जिसमें हम पॉलीबान का एक्सपीरियंस करने गए थे फर्स्ट टाइम ही। और आज भाई हमारी वापसी है स्विट्जरलैंड से जर्मनी की ओर, क्या कह सकते हैं अपना ज्यूरिक से काइज़रस्लाउटर्न की ओर। तो जब अपना सफ़र शुरू होगा तो दिखाते जाते हैं और आगे बात करते जाते हैं। तो अटैची लेके भाई हम अपना यहाँ बिन स्टेशन तो आ चुके हैं, यहाँ भाई अपनी ट्रेन भी आ चुकी है, देखो ऑफ बनो जाने के लिए। और ट्रेन भी चल चुकी है भाई यहाँ से, ये देखो यहाँ ज्यूरिक बिन, और कुछ ही मिनटों का फर्क है यहाँ से हॉप बॉन ऑफ का। देखो यहाँ टाइमिंग ऐसे दिखा भी रहा है भाई, 4:27 पे पहुँच जाएंगे। और ये थोड़ा बाहर का नज़ारा भाई देखो, मस्त घर और अपार्टमेंट भी दिखते हुए। तो हॉप बॉन ऑफ तो हम अपना पहुँच गए भाई, देखो यहाँ ट्रेन से यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 22 पे, और यहाँ ऊपर आके भाई हम अपना प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपनी ट्रेन आनी है भाई, और अभी हम इन्फॉर्मेशन बोर्ड थोड़ा चेक किए तो भाई इसमें प्लेटफॉर्म 11 दिखा रहा है, ये अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। हम DB8 चेक किए तो उसमें 16 दिखा रहा था, पर सही है भाई इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी एक बार चेक कर लेना ही चाहिए। और ये देखो ये यहाँ भाई थोड़ा सामने का माहौल, और हमारी ट्रेन का भी समय हो रहा है, तो भाई चलते हैं। देखो ये अपनी ICE है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे भाई इस तरीके की अपनी ट्रेन दिखती हुई, तो इसी के अंदर अपने को जाना है। ये देखो भाई ये अपनी IC 272, और ये अपनी सेकेंड क्लास का डब्बा, और फ्रैंकफर्ट हॉप बॉन ऑफ तक जाएगी, पर अपने को मैनहाइम पे उतरना है भाई इससे। चलते हैं अंदर भाई सामान चढ़ा के। ये देखो ये कुछ इस तरीके का कॉरिडोर, यहाँ पे अपनी सीट ले लेते हैं भाई पहले, यहाँ पे भाई अपना सामान भी रख देते हैं। और यहाँ हम आके भाई बैठ भी गए, देखो अपना जैकेट भी ज़रा टांग दिए, दो जैकेट पहने थे, एक पतली एक मोटी। ट्रेन भी हमारी भाई देख सकती है अब यहाँ से चल चुकी है अपनी ज्यूरिक हॉप बॉन ऑफ से, एकदम समय पर भाई 4:59 की दिखा रहा था और एग्जैक्ट होते ही चल दी। ये देखो भाई अपना थोड़ा हॉप बॉन ऑफ का जो प्लेटफॉर्म है उसकी झलक यहाँ पे, और ज्यूरिक को भी भाई अब अलविदा करने का समय तो आ चुका है। अनाउंसमेंट भी होती हुई भाई, और सामने देखो ज्यूरिक भी लिखा हुआ है, मस्त एकदम व्यू आता हुआ यहाँ ट्रेन से। और सामने भाई देखो एक और डबल डेकर ट्रेन भी जाती दिख सकती है। तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अपना ज्यूरिक में, अलग अलग जगहें देखने का मौका मिला, और आई होप हमारे साथ देख के भी मज़ा आया होगा। अगर वो वाले ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हो भाई, चाहे पेनोरमा वेग हो, चाहे पॉलीबान हो, चाहे ज्यूरिक लेक हो, और भी अलग अलग जगहें, ज्यूरिक का ओल्ड टाउन हो, तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई। और भाई एक जो टावर दिखा था ना हम एक जो खूबसूरत ट्रेल पर गए थे, वो भी यहाँ से थोड़ा दिख रहा है, दिखाता हूँ। ये देखो सामने भाई थोड़ा जूम इन करते हैं, वो टावर दिख सकता है भाई, जो पहाड़ का नज़ारा आता था वहाँ से भी, और यहाँ से भी दिख रहा है। ट्रेन भी हमारी भाई ठीक ठाक रफ्तार तो पकड़ चुकी है, ये देखो एक और स्टेशन भी दिखता हुआ गुजरता हुआ। बहुत ही सुपर समय रहा भाई अपना ज्यूरिक में भी, और अब अपने जर्मनी जाने का भी समय तो आ ही चुका है अपना। जैसा बताया कि यहाँ से मैनहाइम जाना है, देखे होगा कि जो बिन स्टेशन है, तो बिन से हम हॉप बॉन ऑफ आए, कुछ ही मिनटों का फ़र्क है, वहाँ ऊपर डिस्प्ले में भी दिखा रहा था, तो वो ट्रेन पकड़े, हॉप बॉन ऑफ आए, और फिर अपना प्लेटफॉर्म नेविगेट करके जहाँ से ट्रेन जानी थी, हालांकि वो प्लेटफॉर्म भी बदल गया था, तो वहाँ पहुँचे और अब अपनी ट्रेन में है ही। और खूबसूरत मौसम के साथ भाई एक और ट्रेन गुजरती दिखी। और हमारे यहाँ पे दिन कैसे गुजरे ज्यूरिक में, तो वो वाले ब्लॉग्स फिर से कहूँगा, जब टाइम मिले जब समय मिले तो जाके देख ही सकते हो। बढ़िया धूप की चमक भी आती हुई भाई। और हाँ अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, चाहे स्विट्जरलैंड ट्रैवल ब्लॉग्स हों, चाहे स्विस पास की प्ले लिस्ट हो, चाहे जर्मनी के ट्रैवल ब्लॉग्स हों, तो वो भी देख सकते हो। अब ये काम करते हैं, ज़रा म्यूज़िक के साथ रास्ता देखते हैं।
तो आई होप भाई म्यूजिक के साथ रास्ता देख के मजा आया होगा। अभी पता है क्या हुआ है, ये देखो भाई हमारे पीछे यहाँ पे 7:26 अराइवल होना था अपना ऑफनबर्ग में, अभी तो मैप आ गया है और वो 8:26 का दिखा रहा है भाई। तो ट्रेन अभी एक जगह रुकी हुई है, थोड़ा बाहर चल के बात करते हैं। ये देखो भाई थोड़ा दरवाजा खोलते हैं, चलो भाई बाहर। ये देखो यहाँ पे हम आईसी के बाहर आ चुके हैं अपना दरवाजा खोल के भाई। और जो इन्फॉर्मेशन पता लगी है भाई, जैसा लोग भी देख सकते हैं बाहर कुछ उतरे हुए हैं, वो ये है कि कुछ पटरी के सामने लगता है लोग आ गए हैं, तो उस कारण ट्रेन यहाँ रोकी गई है। कितने समय के लिए रोकी गई है अभी वो पता नहीं है भाई, तो देखते हैं कब यहाँ से चलेगी। अभी तो हम यहाँ पे थोड़ा चल रहे हैं भाई, ये देखो अपना स्टेशन है, इसका नाम भी चल के पढ़ लेते हैं। यहाँ सामने आई थिंक बोर्ड लगा हुआ है इसका, केन्ज़िंगिन नाम है भाई इस स्टेशन का, ये देखो। और हमें ये भी बोला गया मतलब जो लोग हैं कि भाई अपना जो ये सीढ़ियां हैं थोड़ा संभल के उतरें, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है बीच में, तो लोग यहाँ उतरे हुए भी दिख सकते हैं, कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं भाई, अपना इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि स्टॉप पे यूजुअली ये वाली आईसी रुकती नहीं है, क्योंकि स्टॉप पे तो दिखा नहीं रहता, जैसा बताया कि ऑफनबर्ग दिखा रहा है। अरे सीटी बज गई भाई, हम भी ऊपर आ गए, ये देखो अनाउंसमेंट होती हुई, और ये देखो यहाँ समय दिखाता हुआ, दरवाज़ा भी बंद हो चुका है भाई। अब तो देखते हैं भाई मैनहाइम कब पहुंचते हैं, वैसे यहाँ के सबसे 9:21 का अराइवल दिखा रहा है मैनहाइम पे। चल चुकी है भाई यहाँ से आईसी फाइनली, ये देखो बढ़िया धूप की चमक आती हुई, अनाउंसमेंट भी होती हुई भाई, मस्त मौसम लगता हुआ भाई, सामने देखो एकदम सूरज की किरणें जो आती हुई। और अगर रास्ता भी देखा होगा तो एक चीज नोटिस करी होगी कि जो ट्रेन है ना उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई थी बाजल पे, पहले इस तरफ जा रही थी और फिर इस तरफ आने लगी अपना रूट बदल के। और एक चीज, बाजल में ना एक किस्सा हुआ है, कुछ अलग किस्सा हुआ है, ट्राई करेंगे कभी किसी कहानी ब्लॉग में उस किस्से के बारे में बात करने का। एक किस्सा तो आते वक्त हुआ था जिसका ब्लॉग जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आते वक्त थोड़ा ब्लैक फॉरेस्ट का भी झलक दिखा था भाई फ्राइबर्ग के आसपास, और पीछे ना थोड़ा टाइमिंग में भी अपडेट हुआ है, तो देखते हैं मैनहाइम पहुंचते कब है और वहां से आगे कैसे कैसे स्लॉट जाते हैं, क्योंकि जो समय निर्धारित था उसके हिसाब से तो 8:24 पे हमें मैनहाइम पहुंचना था, लेकिन भाई 8:20 पे तो हम अभी ऑफनबर्ग पहुंचे हैं, तो देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन मिलती है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 8:26 की या 8:56 की ट्रेन लेते हैं मैनहाइम से कैसे स्लॉट की, बट अब आगे का कनेक्शन देखेंगे भाई। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मैनहाइम, अपना जैकेट पतली और मोटी थोड़ी कंपैरेटिवली वो भी डाल लिए। ये देखो कुछ इस तरीके का भाई सामने का नज़ारा, और यहाँ व्यू आता हुआ, थोड़ा हम यहाँ गेट के पास ही अब आके बैठे हैं, थोड़ा सीट बदले हैं और अब सामान लेके चलते हैं कॉरिडोर में। चलो भाई यहाँ पे तो चलते हैं भाई अपना उतर के बाहर की ओर, यहाँ पे अपन मैनहाइम तो देखो पहुंच गए हैं भाई अपना आईसीई से, तो 9:19 हो रहे हैं भाई इस समय, क्या बढ़िया बादल दिखते हुए भाई पीछे। अपन आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कौन सा कनेक्शन मिलता है भाई कैसे स्लॉट इन जाने के, लिफ्ट ले लेते हैं भाई जरा। चलो भाई नीचे तो आ गए हम भाई, चलते हैं बाहर अपना यहाँ पे भाई, थोड़ा एग्जिट करते हैं और इन्फॉर्मेशन बोर्ड में जाके एक बार देखते हैं। सामने एस्केलेटर तो दिख रही है ऊपर जाने के लिए, अच्छा दूसरी तरफ से आए हम ऊपर भाई यहाँ पे, ये देखो अपना इन्फॉर्मेशन सेंटर के पीछे की तरफ से थोड़ा, और यहाँ इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी लगा हुआ है भाई सामने। तो भाई स्टेटस ये है, जो हम जब भारत से अपना ट्रेवल करके जर्मनी आए थे ठीक ठाक समय बाद, तो भी पता लगा था और अभी भी कंफर्म करे कि भाई ऐप में नहीं दिखा रहा, लेकिन 9:37 वाली जो ट्रेन है ओमबुर्ग सार हॉप बॉन ऑफ जाने वाली, वो काइसरस्लाउटर्न से होते हुए जाती है, तो वाली ट्रेन हम ले सकते हैं भाई 9:37 पे निकलेगी यहाँ से। ऐप पे नहीं दिखा रहा पर चलो यहाँ दिखा रहा है, और कंफर्म भी कर लिए पीछे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। दूसरी बार मैनहाइम आए हैं आने के बाद, और भाई दूसरी बार ही यही वाली ट्रेन लेंगे। अभी कुछ खाने का सामान ले लेते हैं, थोड़ी भूख लग रही है। ये देखो यहाँ से भाई कुछ उठा लेते हैं, तो यहाँ से भाई अपना चॉकलेट क्रोसां मिला है, ये उठाएं इसे निपटाते हैं और चलते हैं भाई अपना प्लेटफॉर्म पे, जो सामने अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। अभी तो यहाँ पे S4 जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है, ए और बी की तरफ दिखा रहा है हमारे ट्रेन के डब्बे, तो थोड़ा इसलिए आगे जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ट्रेन के बारे में। और अभी पता है क्या हुआ है भाई, यहाँ हम आगे तक आए, थोड़े डब्बे इसके आगे की तरफ लगे हुए थे, तो जैसे ही हम अपना पहुंचे वैसी भाई ट्रेन अपनी चल दी, तो 9:37 वाली ट्रेन तो चली गई है, अब भाई अगली ट्रेन से जाएंगे, हालांकि शायद अब 10:39 पे ट्रेन है भाई। और एक पॉइंट और भाई, कि मुझे ऐसा लगा क्योंकि 9:38 टाइम दिखा रहा था अपनी S1 का, तो मुझे लगा इसके बाद आएगी S4 के बाद, लेकिन S4 और S1 भाई जुड़ी हुई थी, हालांकि इन्फॉर्मेशन बोर्ड में ही मेंशन था, वहां इतना शायद ध्यान गया नहीं, पर कोई नहीं भाई होता रहता है, ये इन्फॉर्मेशन भी पता लगी और इसने सोचे कि बता भी देते भाई कि हो सकता है ट्रेन जुड़ी हुई हो और आगे जाके कहीं डिवाइड हो जाए। और एक पॉइंट और भाई, मैं बी तक आया तो S4 ही दिख रहा था, तो मुझे लगा ए और बी में S1 दिखा रहा है, तो यहाँ तो S1 होना चाहिए, लेकिन थोड़े और आगे उसके डब्बे लगे हुए थे, पर कोई नहीं, जैसे ये ट्रेन गई है वैसे हमारी ट्रेन भी चली गई और हम भी आगे आगे चल के थोड़ा एग्जिट करते हैं भाई। अरे भाई यहाँ बाहर आते ही देखो पुलिस आ गई है, यहाँ लोगों को थोड़ा हटा रहे हैं, सामने लगता है किसी को नॉक डाउन भी किया हुआ है भाई। हम तो अपना प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं, प्लेटफॉर्म 9 की ओर। ये देखो भाई यहाँ पे पुलिस दिख सकती है, डॉग को भी लेके आए, कुछ तो चक्कर है भाई यहाँ पे,
पकड़े हैं लगता है लोग इन्होंने भाई यहाँ पे। हम तो भाई चल के अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं 10:39 वाली। चलो भाई अपना प्लेटफॉर्म 9 की और यहाँ से भी भाई चलते हैं अपना एस्केलेटर के माध्यम से ऊपर की ओर। अरे यही अपनी ट्रेन है भाई RE1, चल के इसमें बैठते हैं भाई आगे। फिर देखो यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं भाई और फाइनली भाई अपना सीट में आके जी बैठ गए हैं ट्रेन में। और फाइनली भाई हम मैनहाइम से भी चल चुके हैं। तो 10:43 पे चली है भाई ये ट्रेन यहाँ से। 11:29 का समय हो रहा है और फाइनली हम अपना काइज़रस्लाउटर्न पहुंच चुके हैं ये अपनी RE1 ट्रेन से। और भाई नीचे चलते हैं, आगे से लिफ्ट लेते हैं। तो नीचे भाई अपना कॉरिडोर पे आ गए। ये देखो एक एग्जिट यहाँ पे, हमें दूसरे एग्जिट से जाना है। तो चलते हैं, बस तो अभी है नहीं तो भाई पैदल जाएंगे अपना रूम तक। और कहा जाए तो भाई बढ़िया एकदम रोमांचक सफर रहा आज अपना, जो हम स्विट्जरलैंड से जर्मनी आए या कह सकते हैं ज्यूरिख से काइज़रस्लाउटर्न पहुंचे हैं। पहले देखा कि हमारी जो ट्रेन है ICE वो भाई थोड़ी डिले हुई क्योंकि कुछ लोग आ गए थे पटरी में, तो उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर करी। उसके बाद जब हम पहुंचे तो भाई मैनहाइम में अपना जो ट्रेन का ये वाला मांझरा हुआ S1 S4 वाला, और भाई पुलिस भी किसी कारणवश आई थी वहाँ, मतलब डॉगी को तो लेके आई थी और थोड़ी तलाश भी कर रही थी, एक दो लोगों को पकड़ा भी था, कुछ मामला रहा होगा भाई। चलते हैं भाई लिफ्ट से अपना ऊपर। चलो भाई बाहर निकलते अपने हॉप वन ऑफ के। ये देखो यहाँ से भाई, और अब थोड़ा सड़क का और यहाँ के एरिया का नज़ारा भी दिख सकता है। रोड क्रॉस करते हैं और उस तरफ चलना है। तो अपनी जर्मनी की काइज़रस्लाउटर्न की सरजमी पर तो भाई पहुंच चुके हैं ठीक ठाक समय बाद। यहाँ भाई अपने टीयर स्कूटर भी खड़े दिख सकते हैं और हम आगे पहुंचते हैं भाई अपना रूम पे। और फाइनली भाई हम अपना सामान लेके जो यहाँ रखा दिख सकता है रूम पे भी पहुंच गए। कौन सा कमरा है स्टूडेंट डॉर्म का, उस वाले व्लॉग का भी लिंक डाल दूंगा, इसके बारे में बात करिए जो बिल्डिंग है और जो कमरा है कैसा दिखता है वो भी दिखाने का। तो भाई अपना जैसा बताए जर्मनी काइज़रस्लाउटर्न में आगमन तो इस समय हो गया है, और आई होप हमारे साथ आज का व्लॉग देख के भाई मजा आया होगा। इंटरेस्टिंग तो रहा आज का भी दिन, जैसे हर दिन स्पेशल और अलग होता है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही पता लगी होगी कि हम अपना स्विट्जरलैंड से जर्मनी कैसे आए, कैसे ट्रेन चेंज करके आए। और थोड़ा इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे भी ध्यान दे देना चाहिए कि हो सकता है भाई अपनी जो ट्रेन है वो जुड़ी हो, जैसे S1 S1 हमारे केस में था आज। और मैं तब भी रिकमेंड करूंगा अगर डॉयचे बान की ऐप में कनेक्शन दिखाता है तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं। डॉयचे बान का जो इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है ना, वहाँ जाके एक बार बता दो कि हमें कहाँ जाना है। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई आपके पास किस टाइप का टिकट है, और उन्होंने कनेक्शन की डिटेल बताई, क्योंकि हो सकता है कि ऐप में ना दिखाए और वो आपको कोई कनेक्शन बता दे या वहाँ इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे दिख जाए, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ तो है ही। और एक चीज़ भाई, जो मैनहाइम में जैसा दिखाया कि कुछ सीन हो गया था पुलिस का, कुछ ना पुलिस से रिलेटेड किस्सा बाजल में भी हुआ है। ट्राई करेंगे किसी अलग कहानी ब्लॉग में उसके बारे में बात करने का विस्तार से। आज के ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं सभी का धन्यवाद करते हुए। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं, और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोज़ देख ही सकते हो, और ज्यूरिख रिलेटेड वीडियोज़ भी जब टाइम मिले जब समय मिले देख ही सकते हो। बाय बाय।